गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग, आशा करता हूँ बहुत मस्त और जबरदस्त भाई। अब कल हमने महाकाल के दर्शन करे थे, आज हम सारे यहाँ पर जितने भी उज्जैन में छोटे छोटे मंदिर है, जैसे जो काल भैरव वाला मंदिर है, काफ़ी सारे मंदिर हैं, उनके दर्शन करेंगे आज। क्योंकि कल महाकाल के मंदिर के दर्शन करने में हमें पूरी बहुत टाइम लग गया था, 3-4 घंटे लग गए थे। तो 3-4 घंटे के बाद फिर हमने सोचा था वैसे रामघाट उसके पास ही पड़ता है, बट हम रामघाट गए नहीं थे। तो आज हम जाएंगे रामघाट जाएंगे, और भी बहुत सारे मंदिर जाएंगे, वो मैं बताता रहूँगा आपको। तो अभी बस हम तैयार व्यार हो गए हैं, मैं तैयार हो गया, बाकी सब हो चुके हैं, मैं अभी अभी तैयार हूँ। तो अब हम निकलने वाले हैं आपसे। कल मैंने आपको धर्मशाला वगैरह का टूर दे ही दिया था कि कैसी है धर्मशाला जैन। वैसे आस पास मैंने पता कराया, तो आस पास भी आपको जो है मंदिर के आस पास, मतलब सैटरडे संडे और मंडे, इस टाइम आपको रेट ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप वीक डेज में आते हो तो वीक डेज में आपको सस्ता पड़ेगा होटल जो है, 1500 रुपये, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 इतने तक आपको होटल मिल जाएंगे आसपास। हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं बताओ? काल भैरव जा रहे हैं, मतलब वहाँ पर कितने किलोमीटर है यहाँ से? कितना? 6-7 किलोमीटर के राउंड में। अच्छा, 6 किलोमीटर के राउंड में ही है। अच्छा, क्या क्या जगह है 6 किलोमीटर राउंड में? हाँ, क्या क्या है 6 किलोमीटर के राउंड में? क्या ठीक है? काल भैरव हम जाएंगे, खराब हो जाए। तो हम सबसे पहले अभी और भी कम नहीं लगी है। अच्छा, तो अब सब राखी के उसने चलना है। तो सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं भैया? गड़तरी गुफा में जा रहे हैं, अभी गड़तरी गुफा में जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा स्टॉप है भड़तरी। कौन सी कोई गुफा में जा रहे हैं? गुफा में जा रहे हैं। ये भड़तरी कौन थे? राजा भड़तरी थे, राजा था भड़तरी। अच्छा, क्या भैया भीड़ वगैरह कब रहती है? भीड़ हमेशा रहती है, 12 महीने रहती है। अच्छा, 12 महीने रहती है, मतलब हाँ ऐसा है, सैटरडे संडे वगैरह ज्यादा भीड़ रहती है। अब हम भड़तरी की गुफा में जा रहे थे। भड़तरी की गुफा काफी रहस्यमय गुफा है, वो राज मैं आपको आगे आने में बताऊंगा कि क्या राज है वहाँ। काफी शांत गुफा है और राजा भड़तरी ने ये गुफा बनाई थी, वहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है, लेकिन काफी रहस्यमय गुफा है, वो हम आगे इसकी बात करने वाले हैं। तो लो जी, लो हम पहुंच चुके हैं भड़तरी की गुफा में। अगर हम बात अंदर से शुरुआत करें तो आज जो हमें और राइट साइड जो है मंदिर के दर्शन, ये सब गौशाला है। पहले पानी पीएंगे, फिर आपकी गौशाला जाएगी, आप यही स्थिति में आकर अंदर जाते हैं। ये देखो भाई, 3-3 जैक पड़े, 3 है। ओए जैक, जैक हमारा जैक रोटी चलो। तो भाई ये सब कौन कर रहा है? गुफा में प्रवेश, गुफा में आरआरबी चनेरी कौन है के दर्शन भी थे। एक आ छोड़ दूसरे भी है क्या? तो वो अगर है दूसरे में
ब्रदरी राजा थे। अब हम आगे गुफा में प्रवेश करने वाले हैं भाई। गुफा में जो रहस्य है वो बहुत ही अलग रहस्य है, वो तो जाने के बाद ही बताऊंगा, पर अभी मैं आपको इस जगह का महत्व बताता हूँ। ये काफ़ी रहस्यमय जगह है। आपको यहाँ पर टोटल दो गुफा देखने को मिलेंगी। दो गुफा में भी एक गुफा एक अलग है, दूसरी गुफा अलग है। दूसरी गुफा जो है वो इंटरकनेक्टेड है, बीच में बहुत लंबी बड़ी गुफा है। तो यहाँ से अगर हम जैसे सीधा सीधा चलते रहेंगे तो हमें गुफा देखने को मिलेंगी, दो गुफाएं यहाँ पर। तो ये कहानी काफ़ी लंबी है। इसमें क्या होता है, राजा भर्तृहरि प्राचीन उज्जैन के बड़े प्रताप राजा हुए हैं। राजा भर्तृहरि की तीन पत्नियाँ थी और वह अपनी तीसरी पत्नी से पिंगला, जो कि बहुत ज़्यादा मोहित थे, वह उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपनी कर्तव्यों को भूल भी गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार पहुंचे। भर्तृहरि ने गोरखनाथ का उचित आदर सम्मान किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि इस फल को खाने से आप जीवन भर तक जवान रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा आपको। चमत्कारी फल देकर गुरु गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी की और सुंदरता की क्या आवश्यकता है, क्योंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर मोहित थे। तो उन्होंने सोचा कि ये फल पिंगला खा लेगी और वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। ये सोचकर राजा ने पिंगला को फल दे दिया। फिर रानी पिंगला भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उनकी राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दे दिया तो रानी ने यह सोचा कि यह फल मैं कोतवाल खा लेगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छा पूर्ति करता रहेगा। रानी ने ये सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक वैश्य पर प्रेम करता था। वैश्य उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वैश्य सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वैश्य ने फल पाकर सोचा कि यदि मैं ये जवान और सुंदर बनी रहूंगी तो मेरा जीवन गंदा काम करना पड़ेगा, नर्क समान काम करना पड़ेगा। इस फल को सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा की भी सुविधा देते रहेंगे। यह सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया और राजा इस फल को देखकर आश्चर्य हो गए। राजा ने वैश्य से पूछा कि तुम्हें यह फल कहाँ से प्राप्त हुआ। वैश्य ने बताया कि उसे कोतवाल ने दिया था। भर्तृहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलाया और सख्ती से पूछा कि कोतवाल ने बताया कि ये फल हमें रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तृहरि को ये पूरी सच्चाई पता चली मालूम पड़ी तो वह समझ गए कि रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तृहरि के मन में वैराग्य जागा और वह अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में तपस्या करने लग गए। और उस गुफा के भीतर भर्तृहरि ने 12 वर्ष तक तपस्या की। उज्जैन में आज भी राजा भर्तृहरि की गुफा दर्शनीय स्थल है और राजा भर्तृहरि ने वैराग्य पर वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की भी रचना की थी जो काफी प्रसिद्ध है। राजा भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी रचनाएं की और माना यह जाता है कि ये गुफा उज्जैन के महाकाल मंदिर तक खुली हुई है, पर आम यात्री स्थल वहां नहीं जा सकते, पर ये जो गुफा है उज्जैन के मंदिर तक जुड़ी हुई है। ये मंदिर के ऊपर का स्थल है, यहाँ पर भगवान गोरखनाथ जो गुरु गोरखनाथ थे उनकी मूर्ति बनी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी आरती दर्शन करने इस मूर्ति के आते हैं। एक दे दो लो, बड़े वाली भरी हुई ले लो। लो अरे भैया ये ले लो, ये वाली ले लो, एक ही जैसी भरी हुई है। दे रहे भाई, दे दी पापा, दे रहे, दे रहे। अच्छा उधर दे रहे क्या, कहाँ पर है? कौन से बनाएगा, किससे बनाएगा? कैच इसमें निकालना। अबे ये हाथ में लगा हुआ ना, इसमें निकाल, दिखा इधर से। हाँ इसमें छुपा हुआ है क्या? हाँ यही तो कह रहा हूँ, इसमें निकाल, इसमें निकाल, इसके अंदर वो रखे हुए हैं, ध्यान से रखियो। क्या रखे हुए? हाँ ये चिप लगी है, ध्यान से रखिए।
नहीं जरूरत नहीं है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। शांति बने आश्रम, भाई ये जो आश्रम था ना इसमें श्री कृष्ण जी के बारे में बहुत ही सारी चीजें लिखी हुई थी। उन्होंने कौन सी विद्या ली थी, क्या उन्होंने तप किया था, वो सारी चीजें हमें इस आश्रम में देखने को मिली। हम सबसे पहले यहाँ पर से, और यहाँ पर हमें आप दीवार पर भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको पुराण की इन्होंने विद्या ली है, देखो पुराण। और आगे आगे हम चलते रहेंगे, देखिए श्री कृष्ण जी ने और कौन कौन सी विद्या ली, सारे इस चित्रकार मतलब चारों तरफ इसी के बारे में ही लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या विद्या ली। जैसे एंट्री करते हैं, एंट्री करने के सबसे स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिलेगा कि उन्होंने पुराण कैसे लिया, पुराण की विद्या ली। अगला जो देखने को मिला वो आपको तर्क देखने को मिला, और अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हमने अगला देखा जो हमें देखने को मिला थियोलॉजी, थियोलॉजी देखने को मिली। उसके बाद जो अगली विद्या थी एटियोलॉजी, एटिनोलॉजी जो निरुक्त था, और उन्होंने ज्योतिषी भी सीखी थी। और ऐसे हमें चारों तरफ विद्याएँ देखने को मिली। आप अगर देखते रहेंगे धीरे धीरे, मतलब उन्होंने बहुत सारी विद्या ली थी। ये तो छोटी सी चीज़ है, आपको ये छोटी तर्क थी। अभी मैं आगे आपको एक कुंड दिखाऊंगा, और कुंड में आपको जो चीज़ें देखने को मिलेगी वो आज तक आपने कहीं देखी नहीं होगी। कहाँ है कच्छू? नडिया निकाल रहा बारह दो शिवलिंग है वहाँ पर। ये मछली के बाद मछली को देखो ऊपर आ रही है, मछली ऊपर आ रही है। एक वो बड़ा हुआ डुबकी लगा के आया अंडर वाटर मछली काट रही थी। देखो भाई आपको यहाँ पर कुंड में आया है, और वहाँ पर हमें बहुत सारे कछुए देखने को मिले। कछुए हम आपको दिखा दो, कछुए ये देखो छोटा बच्चा ऑक्टोपस कहाँ है? ऑक्टोपस अबे है नहीं वो कछुआ है, कछुआ है मम्मी। वो
ये कुछ खाने के कुछ खा रहा है, ये कुछ सामान है, ये मछली है, मछली है, मम्मी मछली है, ये देखो लाला को देखो, ओए कछुए आजा 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 चढ़ी थी बैग ऊपर, पड़ गया पड़ गया, ये तो जैक से भी आलसी है, पड़ गया ये तो। अबे फंस जाएगा ऊपर, ऊपर तो आई नहीं। अब दिखाते हैं गैलरीज ऑफ 64 आर्ट फॉर्म्स। चौसठ कलाओं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये है क्या चीज। अगर आप देखेंगे ये कुंड के चारों तरफ बना हुआ है। एक कुंड के चारों तरफ क्या बनी हुई है, श्री कृष्ण जी ने कलाएं सीखी थी, 64 कलाएं। अगर आप देखोगे कहीं गूगल पे भी देखोगे तो 64 कलाएं उन्होंने सीखी थी, जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी थी, बहुत सारी कलाएं थी। और उन कलाओं को सीखने में शुरुआत पहले क्या होता था कि जल्दी छोटी सी उम्र में ही जल्दी सिखा दिया जाता था, जल्दी भेज दिया जाता था, गुरुकुल भेज दिया जाता था। वो ही गुरुकुल में उन्हें वहाँ पर जो गुरु होते थे वो कलाएं सिखाते थे अलग अलग। वही कलाएं इन पे जो आप लेफ्ट साइड में देखोगे सारी कलाएं लिखी हुई है। और ऐसी नहीं है कि हाँ आज के टाइम पर, आज के टाइम को भी वो मात देने वाली कलाएं हैं, क्योंकि आप आज के टाइम पर सिर्फ आप अपनी पढ़ाई को देखते हो या आप प्रोफेशनल कोर्स करते हो, लेकिन उस टाइम के जो प्रोफेशनल कोर्सेज थे वो एस्ट्रोलॉजी भी थे, वो आपको पत्थर बनाना, आपको आर्ट, आर्टिस्टिक बनाना, आपको हर चीज, हर कलाएं आपको वहाँ पर गुरुकुल में सिखाई जाती थी। और यही कलाएं यहाँ पर 64 कलाएं जो है वो दिखाई गई है, प्रदर्शित की गई है। अब हम कलाएं देखने के बाद हम यहाँ से निकल चुके थे, और कहाँ की ओर निकले थे वो तो आपको आगे जानने को मिलेगा। पर जो वहाँ पर 64 कलाएं दिखाई गई थी, प्रदर्शित की गई थी, वो बहुत ही अद्भुत था। कहाँ जा रहे भैया हम? हैं? मंगलनाथ। कितने किलोमीटर है यहाँ से? अच्छा पास में 1 किलोमीटर ही है। ये भाई। अब जो अगले मंदिर हम जाने वाले थे वो मंगलनाथ मंदिर था। मंगलनाथ का जो मंदिर था ना उसमें बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर था और बहुत ही रोमांचक कहानी है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ पूरी कहानी कि मंगलनाथ को मंगलनाथ मंदिर क्यों कहा जाता है और ऐसा क्या खास है यहाँ पर जो इतनी दूर से जो लोग आते हैं यहाँ पर। बहुत ही खास मंदिर, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर रहा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मंगलनाथ मंदिर को मंगलनाथ मंदिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि मंगलनाथ मंदिर की बहुत ही ऐतिहासिक कहानी है। सबसे पहले तो हम यहाँ की बात करेंगे कि यहाँ क्यों इतना माना जाता है। वो तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर बने हुए हैं, लेकिन भगवान मंगलनाथ मंदिर में की गई मंगल पूजा का जो महत्व है वो कहीं और नहीं मिलेगा। मान्यता यह है कि पूजा अर्चना करने वाले हट जाकर की कुंडली का दोषों का नाश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है वो अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा प्रशालन करने आते हैं। मंगलनाथ मंदिर में जो पूजा अर्चना करने से कुंडली में उपग्रह धारण किया हुआ मंगल शांत हो जाता है। अब हम मंगलनाथ के यहाँ की कहानी की बात करेंगे। कहा यह जाता है कि अंधकासुर नामक देवत्व का शिव जी ने एक वरदान दिया था कि उसके रक्त से सैकड़ों दैत्य जन्म देंगे। वरदान के बाद इस दैत्य ने अवंतिका में तबाही मचा दी थी। तब दिन दुखियों ने शिव जी से प्रस्थान किया कि भक्तों के संकट दूर करने के लिए स्वयं शंभु ने अंधकासुर के से युद्ध किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। शिव जी का पसीना बहने लगा। रुद्र के पसीने की बूंद की गर्मी से उज्जैन की धरती फट गई और दो भागों में विभक्त हो गई और फिर मंगल ग्रह का जन्म हुआ। शिव जी ने दैत्य का संहार किया और उसकी रक्त की बूंदों को नव उत्पन्न
मंगल ग्रह ने अपने अंदर समा लिया। कहते हैं इसने ही मंगल की धरती लाल रंग की। अब हमने मंदिर तो बहुत खूबसूरत था और बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर था, वो तो देखा ही देखा। साथ में से एक नदी भी जा रही थी और वहाँ के भी नज़ारे बहुत बढ़िया थे। और उसके बाद हमने इस मंदिर के ड्रोन शॉट्स लिए और ड्रोन शॉट्स में ज़बरदस्त थे। मतलब मंदिर इतना खूबसूरत लग रहा था मैंने अभी तक नहीं देखा वहाँ। तो अब मैं आपको ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ। भैया हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ पर? मणिभद्र। वो ऐसी जंगल वाला इलाका कैसा है? हरियाली वाला, मतलब शहर शहर है आसपास? गांव है ना? अच्छा आ ही गए। ये देखो भाई मौसम अब थोड़ा सही हुआ है, खुला है। जो मणिभद्र मंदिर है इसका काफ़ी रोमांचक इतिहास रहा है और काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। माना यह जाता है देव श्री मणिभद्र जी का देशभक्त है, ये एक ऐसा मात्र मंदिर है जहाँ उनका शीश आके गिरा था। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित इस मंदिर करीब ये मंदिर करीब 600 साल पुराना है। प्राचीन मंदिरों की श्रृंखला में यह मंदिर विक्रम संवत 1540 के समय का है। बताया जाता है कि भैरवगढ़ धाम में शीश तथा घड़ एवं चरण गुजरात के दो स्थानों पर गिरे थे। अब महाकाल की नगरी और शिव जी को जल अर्पित न किया जाए तो कैसे सुकून मिलेगा। तो यहाँ पर मणिभद्र में ही शिवलिंग था तो वहाँ पर हमने पूजा और अच्छी तरीके से हमने वहाँ पर जल चढ़ाया शिव जी को।
बहुत ज्यादा भीड़ थी, बट हम जल्दी जल्दी में हमने जल वगैरह चढ़ाया और पूजा करी। वहां पर आपको घाट देखने को मिलेगा और वहां पर लोग स्नान कर रहे होंगे, और घाट के जस्ट बराबर में ही आपको मणिभद्र का मंदिर देखने को मिलेगा। वहां पर काफी विशाल मूर्ति है और काफी ऐतिहासिक मूर्ति है जो कि मैंने आपको अभी बताया है। अरे भैया, काल भैरव, जेल भैरव, ये जेल है। बताया कि नहीं भैया, मैं रोड से बनाते वीडियोस का। ये जेल है, चालू है या ऐसे बंद है? चालू जेल है, कैदी रहते हैं। तो भाई हम काल भैरव के मंदिर तो पहुंच गए थे, और वहाँ की बहुत एक विशेषता है काल भैरव की, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा। इस ब्लॉग में हम काल भैरव के पास पहुंचे तो थे लेकिन हमारे दर्शन नहीं होते। क्यों नहीं हुए थे भाई? वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ थी। अगर आप दिन में नंबर आते, क्योंकि उस दिन था शनिवार, अगर आप दिन में आते ना वहाँ पर तो आपका रात को नंबर आता, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। अभी आपको दिख भी रही होगी भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ है। लाइन अंदर मंदिर बहुत ज़्यादा अंदर है और लाइन बहुत बाहर से शुरू हो जाती है, वो आपको अभी देखने को मिलेगा। अगर आप वहाँ पर देखोगे ना मंदिर में मिलेगा, तो पहले तो आपको सामान देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आपको शराब की दुकान देखने को मिलेगी। शराब की क्यों दुकान है वहाँ पर, वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा कि क्यों यहाँ पर शराब की दुकान खुली हुई है, और वो भी मंदिर के जस्ट सामने। ये देखो लेफ्ट साइड में ये मंदिर बना हुआ है, और ये देखो भाई लाइन देखो, मतलब आप देखोगे यहाँ पर तीन चार बैरिकेडिंग्स तो है ही है, अंदर की साइड भी और लंबी लाइन है, मतलब लाइन खत्म होने वाली नहीं है, ये बहुत लंबी लाइन है अंदर तक। मंदिर बहुत ज्यादा अंदर है जाके, और कहाँ से ये देखो भाई, ये देख रहे हो यहाँ से ऐसे सर्कल गोल 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 तो लाइन है। अब हम वहां से निकल चुके थे, अब हम जो अगली जगह जाने वाले थे वो अपने आप में ही इतिहास है उज्जैन का, जिसका नाम है गढ़ कालिका के मंदिर। उसका इतिहास काफी रोमांचक है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं गढ़ कालिका का मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन के कालीघाट स्थित कालिका माता के प्राचीन मंदिर को गढ़ कालिका के नाम से जाना जाता है। देवियों में कालिका को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। गढ़ कालिका के मंदिर में माँ कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्त आते हैं। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारी मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता, फिर भी माना यह जाता है इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन जो मूर्ति है वो सतयुग काल की है। बाद में इस प्राचीन मंदिर को जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किया जाने का उल्लेख मिलता है। सटेक काल में ग्वालियर के महाराज ने इसका पूर्णिमान कराया। ऐसा वाला देख लेना बढ़िया सा। जेल के आसपास भी जेल से? हाँ, जेल तो अलग है यार, जेल तो पीछे छोड़ा है। भाई यहाँ के भी फाइनल दर्शन हो गए हैं, अब हम यहाँ से देखते हैं। अभी तो ऐसे होटल जा रहे हैं, बाकी देखते हैं बीच में अगर शॉट्स वगैरह मिले ड्रोन शॉट्स, तो आपको ड्रोन शॉट दिखाऊंगा। काफ़ी बढ़िया बढ़िया ड्रोन शॉट मैंने भी लिए थे, और अपना आगे अगर हो पाया तो दिखाऊंगा, बाकी तो होटल जा रहे हैं। तो आ जाओ, आते देख लियो मम्मी, मेरा हो जाएगा वहाँ पे। चलो, पानी नज़र नहीं आएगा फिर, कैमरे में पानी नहीं आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं तो होटल आने वाला था, ये मैं कहाँ आ गया? भाई ये जो मैं जगह आया हूँ ना, ये आपने नाम तो बहुत सुना होगा पर आपने कभी देखा नहीं होगा। इसका नाम है रामघाट। रामघाट की जो आरती होती है ना, वो बहुत ही फेमस आरती है, और बीच से यहाँ पर दीपक जलाया जाते हैं, और रास्ते में जैसे हरिद्वार में होता है ना भाए जाते दीपक, वैसे ही यहाँ पर भाए जाते हैं, और इतना खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं आपको, वो अभी हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, वहाँ आप एंट्री करोगे ना, आपको चारों तरफ हर लोग वहाँ पर आपको हाथ में दीपक लेके खड़े रहेंगे, और दीपक बेचने वाले भी वहाँ पर बहुत होंगे। आपको माचिस वगैरह कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको दीपक के साथ में माचिस दे देंगे जो कि आप ले जा सकते हो, और वहाँ हर कोई दीपक के साथ खड़ा हुआ आपको दिखे देखने को मिलेगा।
फिर रामघाट से निकलते ही हम वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा फेमस गणेश मंदिर है जिसका नाम चिंताहरण गणेश मंदिर है। वहाँ पर हमने जो नज़ारे देखे वो हमने आज तक नहीं देखे थे। वहाँ पर आप अगर देखोगे अभी राइट साइड में पूरा दिए जल रहे हैं, पूरे दिए, मतलब आपको दो टावर से दिखेंगे, टावर के दिए ही दिए जल रहे हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा था, ऐसे दिए जलना हमने पहली बार देखा था। यहाँ के लिए आम बात है लेकिन हमने पहली बार देखा था, लेकिन इतना खूबसूरत लग रहा था वो नज़ारा मैं बयान नहीं कर सकता। थोड़ी सी हम इस मंदिर के बारे में बात करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मंदिर के देवता भगवान गणेश को आराम का देवता माना जाता है। पारंपरिक समय में भगवान को चिंताहरण के नाम से जाना जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है सभी चिंताओं और तनावों को दूर करने वाला। मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ी रहती है जो भगवान के मंदिर में अपनी सभी चिंताओं को दूर करने के लिए आते हैं। चिंतावन शब्द भगवान विष्णु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनका दूसरा नाम है जिन्हें हिंदू पारंपरिक कथाओं के अनुसार भगवान का संरक्षक माना जाता है। भाई फिर इतना सब कुछ करने के बाद, देखने के बाद, फिर हमने सोचा मार्केट देख लेते हैं, लेकिन इतने टाइम में तो मार्केट सारी बंद हो चुकी थी। बर्तनों की दुकान थी, होलसेल मार्केट, सोने की दुकान, सब चीज़ें आपको थी वहाँ देखने को मिलेंगी। और फिर हमने सोचा भाई अब आइसक्रीम खाई जाए, तो वहाँ पर एक फेमस आइसक्रीम वाला है, उसके आपको मैं अभी बताऊँगा कि कैसी उसकी आइसक्रीम बनाता है और कैसे टेस्ट लगता है उसका आइसक्रीम। तो भाई अब हम आए उज्जैन की फेमस कुल्फी वाले के यहाँ। फेमस वो कुल्फी है, नाम भी फेमस है और कैसे भाई उज्जैन की फेमस कुल्फी है, अभी देखते हैं कैसे फेमस कुल्फी है। अभी आ रही है काफ़ी सारे ये कुल्फी आए हैं। हमने तो बेसिकली केसर वाली मंगवाई है और रबड़ी मंगवाई है और एक सीताफल, देखते हैं कैसी है, खा के बताओ। एक केसर वाली कुल्फी देख के टेस्ट करके बताते हैं कैसी कुल्फी है। और कौन सी है सीताफल वाली देश की नहीं, पिस्ता तो अच्छा है। अरे रबड़ी कुल्फी ठीक ठाक लगा था, ऐसा बेकार नहीं है, अच्छा है, लेकिन मतलब जब तक फेमस नाम सुन जाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या बढ़ जाती है, बहुत बढ़िया होगा। नहीं बढ़िया, ऐसे खराब भी नहीं है, अच्छा है। खराब भी नहीं है, बढ़िया नहीं, अच्छा है, अच्छा है।